हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे स्टडी वीडियो एंड मोटिवेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामान्य भविष्यकाल पहचान। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्यकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में गागीगे आते हैं। दोस्तों, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इसकी पहचान है। इस टेंस के वाक्यों में काम का करना या होना भविष्यकाल में पाया जाता है। ऐसे वाक्यों के अंत में गागीगे आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। तो फ्यूचर इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस फिर अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य। रूल अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और बी के साथ सेल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई और बी के साथ सेल और अन्य सब्जेक्ट के साथ विल लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, मैं एक पत्र लिखूंगा। आई सेल राइट अ लेटर। हम कल स्कूल जाएंगे। बी सेल गो टू स्कूल टू मारो। तुम एक किताब पढ़ोगे। यू विल रीड अ बुक। उसके पिता कल दिल्ली से आएंगे। His father will come from Delhi tomorrow. Fifth, ये लड़के सोमवार को फुटबॉल का मैच खेलेंगे। These boys will play a football match on Monday. अब है नेगेटिव सेंटेंस रूल। नेगेटिव सेंटेंस में will या shall के पश्चात not लगा देते हैं। इस टेंस में कल के लिए tomorrow लगाते हैं। एग्जाम्पल, मैं कल अलीगढ़ नहीं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो टू अलीगढ़ टुमारो। लड़के दिन में नहीं सोएंगे। द बॉयज विल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तुम पुस्तक नहीं पढ़ोगे। यू विल नॉट रीड द बुक। यू डू नॉट रीड द बुक। हम कल हॉकी का मैच नहीं खेलेंगे। फोर्थ, वी शैल नॉट प्ले अ हॉकी मैच टुमारो। इंटरोगेटिव सेंटेंस किसके? फ्यूचर इंडेफिनिट की इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर वाक्य में क्या लगा हो तो शैल या विल को कर्ता सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं। देखिए उदाहरण 1 और 3। रूल नंबर 2, अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहां आदि प्रश्नवाचक हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर सेल या बिल, फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। रूल नंबर 3, कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच, हुज, के साथ, उनमें संबंधित नाउंस भी आते हैं। देखिए उदाहरण नंबर 4, 5 और 8। रूल नंबर 4, अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हो ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी फिर सेल या फिर बिल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आते हैं। देखिए उदाहरण 7। रूल 5, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्य इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह बनाते हैं। केवल कर्ता के बाद नॉट और लगा देते हैं। रूल नंबर 6, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह तुमको कुछ कल में देगा। विल ही गिव यू सम पेंस। कलम मीन्स दोस्तों पेंस, बिल यहाँ बीच में। क्या वह तुमको कुछ कल में देगा। विल ही गिव यू सम पेंस। क्या वे आम खाएंगे। विल दे ईट मैंगोज। क्या तुम्हारे भाई कल नहीं आएंगे। विल योर ब्रदर नॉट कम टुमारो। मारिया कौन सा गाना गाएगी।
विच सॉन्ग बिल मारिया सिंह, वह कितनी पुस्तकें खरीदेगा। हाउ मैनी बुक्स विल ही बाय, हम कल कहाँ जाएंगे। वेयर शैल वी गो टू मोरो, हम कल कहाँ जाएंगे। तुम्हारे पुत्र को कौन पीटेगा। हु विल बीट योर सन, वह किसकी मेज तोड़ेगा। हुज टेबल विल ही ब्रेक, वह किसकी मेज तोड़ेगा। हुज टेबल विल ही ब्रेक, ब्रेक मीन्स तोड़ना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे मोटिवेशनल करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, साथ में लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।